एक बात सच बताओ, बचपन में जब मॉम कहीं बाहर जाते थे एंड व्हेन शी वाज रिटर्निंग, वी ऑलवेज होप दैट शी गॉट समथिंग अलोंग विथ हर, मे बी अ स्नैक, मे बी अ टॉय या कुछ ना कुछ। बचपन में तो मज़ा आता ही था, बट लेट्स से वी ऑल ग्रू अप, लेट्स से वी आर 24 एंड स्नैक, यस इट स्टिल फील्स द सेम। हाँ, आप एक्सप्रेस नहीं करते हो लेकिन अंदर से वही एक्साइटमेंट आता है। आज भी एक्साइटमेंट होता है मॉम जब बाहर से स्नैक लाती है। बेस्ट पार्ट इज इट डज नॉट मैटर वॉट इट इज, यू जस्ट पिक इट अप एंड टेस्टी। हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू लाइक द तोरना फोर्ट व्लॉग। फुटेज इतना अच्छा नहीं था क्योंकि मैं ही ट्रैक कर रहा था और मैं ही रिकॉर्ड कर रहा था और फ़ोन यूज़ करता हूँ मैं। तो ओ दे आर योर, कहाँ चले गए थे क्या पता। तो ये मेरा गैंग है यहाँ का, आफ्टरनून इवनिंग वॉक। इट्स आफ्टरनून नाउ बिकॉज इट्स मानसून, शाम को आऊँगा तो बारिश हो जाता है पूरा। आप बादल देख सकते हो ऑलरेडी, पूरा काला काला हो चुका है। सो दैट्स माई गैंग एंड टुडे वी आर गोइंग टू अ डिफरेंट लोकेशन। अगर आपको, आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, हम या तो वहाँ पर वॉक के लिए जाते हैं या तो ये रोड से सीधा निकलकर वो कनाल के एरिया में जाते हैं। बट आई फाउंड आउट अ न्यू स्पॉट विच इज़ एज ब्यूटिफुल, क्योंकि यहाँ पर बैठने के लिए भी एक व्यवस्था की गई हुई है विच इज़ रियली अनएक्सपेक्टेड। इट्स इन मिडल ऑफ नो वेयर। वेदर बहुत ही अजीब हो गया है पुणे का, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मानसून तो शुरू हुआ था धूम धमाके से और अचानक से बंद हो गया। अचानक से एकदम कड़क धूप आती है, फिर बारिश शुरू, फिर सब गीला, फिर सब ड्राई, फिर सब गीला, वही चल रहा है यहाँ पर कुछ दिनों से। मेन मुद्दे की बात, देयर इज़ अनदर अपडेट जो इट्स 90% श्योर की है, मैं सोच रहा हूँ मैं ये करूँगा। अगर मैं करने वाला हूँ तो इसके बारे में कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टा पे स्टोरी भी डाल दूंगा। आई वॉज प्लानिंग ऑन डूइंग अ Q&A, बट नॉट लाइक एनी रेगुलर Q&A जो हमेशा हम लोग करते हैं, क्वेश्चन में लेता हूँ, आंसर करके वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। आई वॉन्टेड टू बी मोर इंटरेक्टिव विथ माई टाइनी लिटल ऑडियंस, जो भी मेरा छोटा सा कम्युनिटी है 100 लोगों की। मैं सोच रहा था Q&A लाइव करते हैं इस बार हम लोग। सो आई विल बी गोइंग लाइव, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग लाइव ऑन संडे दोपहर के आसपास। तो जो भी Q&A के क्वेश्चंस हैं आप मुझे सीधा लाइव में ही पूछ सकते हैं, आई विल हैव अ डायरेक्ट आंसर ऑन द स्पॉट। इट इज़ गोना बी कैंडिड एंड स्पॉन्टेनियस, ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड करके प्लान करके मैं आंसर्स दूंगा, और काफ़ी इंटरेक्टिव होगा। आई एम प्लानिंग ऑन डूइंग दैट, आई एम स्टिल नॉट श्योर। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगता है, कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो इज इट अ गुड प्लान, एंड इफ इट इज वील डू इट दिस संडे आफ्टरनून। ओके, तो हम लोग अपनी स्पॉट पर आ चुके हैं। अरे भाई कुदम भाई, ये तीनों का सही जोड़ी है ऐसे, बहुत 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 स्वीट जोड़ी है। वो जो सबसे फरी वाला डॉग है वो बहुत यंग है बाय द वे, कुछ महीनों पहले ही पपी था वो। ये दोनों उसके पेरेंट्स दिखते थे और वो उनका बच्चा। एंड दिस इज़ द स्पॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। छोटे से झाड़ के, छोटा झाड़ नहीं है, झाड़ बड़ा है, झाड़ के नीचे छोटा सा चेयर आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ द स्पॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। इट्स इन द मिडल ऑफ टेक्निकली नो वेयर, और एक छोटा सा टूटा फूटा चेयर है यहाँ पर। एंड देयर इज अनदर थिंग आई विल शो यू, मिरर भी लगाया हुआ है बाइक का, सो इनकेस मुझे इमरजेंसी में मेरे बाल सेट करने पड़े तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। एंड सी,
आप लिटरली ना वो ब्लू, ओ मेरी आवाज़ एको हो रही है, 1 2 एनीवे यू कैन लिटरली सी द कलर, ओके, ब्लूइश ग्रीनिश हल्का सा, इट्स वेरी वेरी क्लीन। तो एक बार मजाक मजाक में मैंने मॉम को बोल दिया घर पर जाकर कि एक कुआ है यहाँ पर, उसमें बस कूदने का मन किया मेरा क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी। इट्स अ वेरी वेरी क्लीन एंड ब्यूटिफुल वेल, और ऊपर आने का भी रास्ता है। तो वो एक सॉर्ट ऑफ एक लेक्चर में टर्न हो गया, सेमी लेक्चर, बिकॉज दे टुक मी सीरियसली एंड दे वर कंसर्न्ड एंड आई वॉज लाइक गाइज इट्स अ जोक, बस ऐसे ही बोल दिया मैंने। आई एम प्रिटी श्योर आपके साथ भी हुआ है ये। और यहाँ से अगर आप सीधा आगे आते हो देन अगेन इट्स जस्ट ग्रीनरी, फार्म लैंड, एंड आउट ऑफ नो वेयर देयर इज अ कंस्ट्रक्शन ओवर देयर। आई डोंट नो व्हाई, हाउ, व्हेन, हुज, ये साले तीनों ना फंसाएंगे मुझे एक दिन। सब कुछ उनका ही पप्पा का समझ के घुस जाते हैं कहीं भी। टेक्निकली दे डोंट नीड परमिशन टू रोम अराउंड, बट उनको फॉलो करते करते मैं भी कहीं भी घुस जाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ पर आकर सिर्फ एक ASMR वीडियो बनाओ एक दिन में, बिकॉज द साउंड ऑफ नेचर इज एक्चुअली वेरी रिलैक्सिंग। और ये अगर मैं बिना बात किए बस यहाँ पर घूमता भी हूँ, अबे हाफ ना बंद करोगे, अगर बस घूमता भी हूँ मैं यहाँ पर 5-10 मिनट्स, आई थिंक पीपल आर गोना लिसन टू दिस एंड जस्ट रिलैक्स। Anyway, I'm gonna sit on my chair under this nice bushy bushy tree. पिछली बार तो बारिश इतनी जोर की हो गई, फंस गए थे हम दोनों, बट ये झाड़ ने हमें बचा लिया। दादा और पोता का जोड़ी था, वो कुएं में मोटर ऑन करने आए थे लेकिन मोटर खराब है। वो भी वही सेम बोल रहा था, माला पाव पवाए चाहे उड़, उसको उड़ी कूदना था उसको कुएं में, तो उसके दादा बोलने लगे कि धूप ही नहीं है अभी नहीं उड़ी मार सकता है। एनीवे यस प्लीज गाइज डू लेट मी नो अबाउट द Q&A सेशन, द लाइव सेशन, बिकॉज आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड आइडिया। याद से कमेंट करके बताओ यार, दो लोग हैं जो गारंटी कमेंट करेंगे, क्या हितेश है क्या मोहित, ये दोनों साले हर वीडियो में पहुंच जाते हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। हम तीनों का एक दिन गेट टुगेदर करेंगे, तीनों का गेट टुगेदर करेंगे हम एक बार। मुझे देखना है मेरे ये लॉयल सब्सक्राइबर्स है कौन, बट एनीवे दैट्स इट, आई एम जस्ट गोना सिट हियर फॉर अ वाइल क्योंकि फिर से घर पर जाकर काम है, ऑनलाइन PT स्टार्ट होने वाला है, तो आई विल जस्ट रिलैक्स एज मच एज आई कैन राइट नाउ आउटसाइड एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। गुड बाय।